इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं, कोटा का देसी नाश्ता। मामू के पास है नाश्ते के लिए। हाँ, सो गए थे, थोड़ा आराम किया है, उठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। अब जो है नाश्ता पूरे पिशिन में झूले नहीं मिल रहे सब बंद है, सारा बंद पड़ा। अच्छा, होटलें शोटलें सारी बंद है, रास्ते में हम देख रहे थे ना। ये है भाई सीन, ये है अंजीर, ताज़ा ताज़ा दरख्त से ये तोड़ी है, जिसको सुखाने के बाद जो है वो जो आप बाजार से खरीदते हो, हाँ सुखा कर ना प्रेस करते हैं तो फिर वो नज़र आती है। ये बिल्कुल फ्रेश है अंजीर, ताज़ा। ये और ये देखो, ये अंजीर है और ये मुफीद इलाज, मीठी है। कैसी है? जबरदस्त। खा के देखो, बस अभी आप खाएं, मैं नाश्ता करूँगा। ये आप देखें, अनार लगा हुआ है, कच्चा है, ये पका नहीं है अभी। और ये देखें आप, अनार लगा हुआ है यहाँ पे। ये हम दोबारा नाश्ता कर रहे हैं कोटा में, घर का देसी नाश्ता है। ये मक्खन है घर का, केक, और इसको क्या कहते हैं? ये मीठी रोटी है, रोगानी बोलते हैं लोग, मीठी रोटी है, देसी अंडे, मिठाई, रस। ये भी हम आए हुए हैं शादी में और यहाँ पे इस तरीके से खाना दिया जाता है। ये खाना पहले खा लूँ फिर बाहर जाके आपको एक्सप्लेन कर सकता। आ जाओ बेटा। ये क्या है यार? ये क्या? ये रोश और दाल है। रोश और दाल, रोश और दाल गया। सही सही सही। अच्छा, ये सालन आ गया, सालन आ गया जी, कोरमा आ गया, ठीक है जी। वो बिरयानी है, वो बिरयानी हो गई, ज़रदा हो गया, वो भी रोश है, ये वो भी रोश है, ये रोश आ गया, ये खीर, खीर आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इसके नीचे बोतल, सही सही सही। अब ये पानी आ गया आपका। यहाँ इस तरीके से खाना दिया जाता है, इस तरह से देते हैं, बेहतरीन है जी। कोटा का खाना खा के चेक करते हैं कैसा है। होटल मेरे हिसाब से मैं एक घंटे भी नहीं सोया। अच्छा, हेलो, समझ नहीं आ रहा था ना वो क्या बोल के रहे हैं। आप पूछो बसीर भाई से, उर्दू में पूछो ना। 6:15 हो रहे हैं इस वक्त शाम के। बसीर भाई अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे जा रहे हैं, सज्जी का और सिंगर विंगर बुलाया है, उसका प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, फार्म हाउस किधर है? इधर ही है। हाँ, ये गाँव में ही है। अच्छा अच्छा, अभी हम फार्म हाउस चलते हैं। ये आप देख सकते हैं टोटली ये कच्चा रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं एक फार्म हाउस के बैक साइड पे, मतलब एक फार्म हाउस बना हुआ है। दोस्त गांव की हम लोगों को दावत दी है, हम लोग आज उधर ही जाएंगे इनकी तरफ से। हाँ जी बसीर भाई, यहाँ के लोग मोहब्बत बहुत करते हैं, स्पेशल उसामा भाई हमारे साथ जो बैठे हुए इस टाइम, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से जबरदस्त भी कर रहे थे हमारे साथ। जो भी मेहमान वेहमान आते हैं लोग हमारे साथ उठना बैठना करते हैं ताकि मेहमान हमारा बोर ना हो, घुमाने फिराने के लिए लेके जाते हैं हर जगह। अच्छा अच्छा, जबरदस्त है भाई। ये अभी फिर हम फार्म हाउस पहुंच गए, आपको बताते हैं। आसमान तो बड़ा जबरदस्त है, पार्शियली क्लाउडी है बिल्कुल। हाँ, बसीर भाई के गांव में बस स्पीड ब्रेकर बहुत है। हाँ, ये इसको भाई के गांव में स्पीड ब्रेकर गांव कहते हैं इसको। ये है, दो कदम गाड़ी चलती है ब्रेकर आ जाता है, और ब्रेकर भी ऐसे बड़े हैं कि कार ब्रेकर है भाई। बहुत फायदेमंद ब्रेकर है क्योंकि आपके फ्यूल एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका फ्यूल एवरेज से बहुत अच्छा होता है इससे, क्योंकि आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ब्रेक छोड़ो और ब्रेक पकड़ो बस। यही ये बात है, ये बात है जी। ये भी हम आ गए खुरगो चौक पे, खुरगो चौक पे आ गए। आए ये फार्म हाउस आया जी, फार्म हाउस अब अंदर।
अब हम अंदर जाएंगे फिर आपको कंटिन्यू करेंगे, फिर करते हैं कंटिन्यू। साढ़े छः हो रहे हैं और फार्म हाउस पहुँच गए हैं हम लोग सारे। मौसम बड़ा टाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं सारा ये ग्रीन ही ग्रीन है। और इस साइड बादल, इस साइड देखें बादल है, इस साइड ऊपर बादल नहीं है। फार्म हाउस है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है ये। यहाँ घास लगा दी गई है अभी, ये ग्रीनरी पूरी, और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, फुल लश ग्रीन घास है यहाँ पे। ये फार्म हाउस बनेगा अभी यहाँ पे, पीछे बागात भी है। मैं थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये पीछे बागात भी है। हवा अच्छी चल रही है और पानी है इस तरफ, पता नहीं लग रहा इस तरफ आसमान क्लियर है। अगर आप इस तरह इस साइड देखें तो ये बादल है, जो हो सकता है रात वात में किसी वक्त बारिश हो जाए। हाँ जी, और मौसम और मज़ीद ठंडा हो जाएगा, रात वैसे ही इधर अच्छी है और मज़ीद ठंडा हो जाएगा। क्वेटा कौन सी साइड है भाई? करबला। ये तो करबला है ना, यहाँ से क्वेटा किस साइड है? बसीर भाई के जो है ना सारे दोस्त आ रहे हैं, सारा सिस्टम जो है बनाया हुआ है। वो बगैर बेटा नौ खाने के उनको भी आ गाऊं भाई, यार मम्मी मिले जाओ बादल दे। अच्छा बशीर भाई, अभी क्या हुआ है और हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्वेटा वाले फार्म हाउस में। प्लान चेंज हो गया? हाँ, क्योंकि मेहमान सारे वहाँ शिफ्ट हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ तो वहाँ पे फिर माहौल बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, सही है सही है। अभी हम क्वेटा जा रहे हैं, तकरीबन यहाँ से एक घंटा लगेगा ना बशीर भाई? हाँ, एक घंटा लगेगा। बादल बड़े जबरदस्त यार, और बादल बना रहे हैं, बहुत बारिश बारिश टाइट ना हो जाए। ये वकास को जानते हो सर? बजवा वकास पीछे दिखाओ जरा, चार बंदे जो है ना वो दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए। लैंट्रा चेक हो रही है कि चार बंदे बैठ सकते हैं पीछे, लैंट्रा चेक हो रही है। सही बात है वसीम भाई, अभी तक आपको कैसी लगी लैंट्रा? माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो वो चंगान है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा प्रोडक्ट चंगान है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। सही गाड़ी, सही वैसे अच्छी गाड़ी है। वैसे वो सामान जो है ना पतला है, पतला हर जगह जलील होता है, जैसे अभी बैठा हूं। तू पहले डोल खा के मेरे पास हो जा, तू सो जा, तूने भी पिया हुआ। और अभी हम आगे जा रहे हैं, बस आगे।